हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे चैनल पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्राई कलर डेजर्ट बनाकर। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्रीम व्हिप कर लेंगे। हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। अब हम इसमें ग्रीन कलर और पान मसाला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपको पान मसाला फ्लेवर ना बनाना हो तो आप कीवी क्रश का भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छा सा ग्रीन कलर देगा। मैं पान मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 ड्रॉप्स इसमें कलर्स के ऐड करने पड़े हैं ये शेड आने के लिए। आप जो कलर यूज करोगे आप उसके मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब हम इसे असेंबल करने से पहले एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं हमारे व्हाइट लेयर के लिए। मैं आपको बता दूं सारे इंग्रेडिएंट्स। मैं यहाँ पे फुल फैट मिल्क यूज कर रही हूँ, आधा लीटर दूध है ये। 1/4 कप यहाँ पर हम मिल्क पाउडर यूज करेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन ये हमारी रबड़ी को एक बहुत अच्छा टेस्ट देगा और टेक्सचर भी देगा, इसलिए हम इसे जरूर यूज करेंगे। 1 टीस्पून में इलायची पाउडर यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने जब ये फुल फैट मिल्क गरम किया था और ये ठंडा हुआ था, तब उस पे एक मलाई की लेयर जम गई थी। वो मलाई की लेयर भी मैंने ले ली है और मैं रबड़ी में उसको भी यूज करूंगी। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं इसलिए मैंने ब्रेड का यूज करूंगी। मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप भी व्हाइट ब्रेड ही यूज कीजिएगा। ब्राउन ब्रेड इसकी जगह पर यूज मत कीजिएगा। इसके सारे जो ब्राउन कॉर्नर्स है वो कट कर इनका हम चूरा कर लेंगे। मिक्सी में इसे घुमा लेंगे और हम उसे यूज करेंगे। चलिए फिर हम रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पहले दूध गर्म कर लेंगे। मैंने एक बार गर्म किया था, हम अभी इसे फिर से एक बार गर्म करेंगे। जब तक इसमें उबाल आएगा हम ब्रेड को मिक्सी में चूरा कर लेंगे। मैंने ब्रेड्स के इस तरह से सारे ब्राउन कॉर्नर्स कट कर लिए हैं और अब हम इन्हें मिक्सी में बारीक कर लेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है। थोड़ा सा हम इसे सिम कर देंगे, मीडियम आंच पे रखेंगे। और अब यहाँ पर ये जो मलाई है वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1/4 कप। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहे ताकि हमारा जो दूध है नीचे पतीली में लगे ना। देखिए दूध में फिर से उबाल आ गया है। अब इसी स्टेज पे जो है हम ब्रेड का चूरा ऐड करेंगे। देखिए इसे मैंने मिक्सी में कर लिया था। हम इसे 6 से 7 मिनट तक लगातार हिलाते हुए पका लेंगे। देखिए मैं लगातार 5-6 मिनट से इसे चला रही हूँ और ये काफी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसी स्टेज पे शुगर ऐड कर देंगे। शुगर डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने जो शुगर ऐड की थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारी ये रबड़ी बिल्कुल रेडी है, मलाईदार और एकदम गाढ़ी बनी है। हमारी ये इंस्टेंट रबड़ी है। अब हम लास्ट में इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। कभी भी हम जो स्वीट डिश बनाते हैं उसमें अगर इलायची पाउडर लास्ट में ऐड करें तो इसका फ्लेवर काफ़ी समय तक अच्छा बरकरार रहता है, इसीलिए हमेशा इलायची पाउडर लास्ट में ही ऐड करें। मैं अब गैस बंद कर रही हूँ। रबड़ी बिल्कुल रेडी है। ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए अभी हमें इसे बंद कर देना होगा, इसे और नहीं पकाना है। हमारा ग्रीन लेयर रेडी है, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। हम इसे भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और फिर इसे असेंबल करेंगे हमारा ट्राई कलर डेजर्ट बनाने के लिए। हमारे तीनों कलर यहाँ पे रेडी है। ऑरेंज कलर के लिए मैं यहाँ पर बूंदी के लड्डू ले रही हूँ, उन्हें मैंने हाथों से चूरा कर लिया है। व्हाइट कलर के लिए हमने रबड़ी बनाई है
और ये हमने पान मसाला फ्लेवर की क्रीम बना ली है। मैं इसे कट कर लूंगी। पहले हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, थोड़ा इसे आप टैप कीजिएगा ताकि ये एक लेयर में अच्छे से सेट हो जाए। टूटी फ्रूटी इस तरह से गार्निश कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐसा कर सकते हो। हमारा ये ब्यूटीफुल सा ट्राई कलर डेजर्ट बिल्कुल रेडी है। ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप रेडीमेड रबड़ी लेकर आओ और इसे बनाओ तो ये और भी जल्दी बनेगा। और मोतीचूर के लड्डू तो बाहर मिलते ही है, इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। बाय।